जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल के तहत पड़ते करेरी झील ट्रैक पर कुछ दिन से पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल आ रहा है। जिले में पाकिस्तानी मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल होने के बाद सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह धर्मशाला क्षेत्र से ट्रैक्टरों का एक दल करेरी झील की तरफ गया था। इस ट्रैक्ट में नौलेखट और रियूटी क्षेत्र से लेकर करेरी झील तक किसी भी मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल नहीं होता है। आमतौर पर झील के पास केवल बहुत ही छोटे से क्षेत्र में एक मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल होता है। जब ये ग्रुप धर्मशाला लौटा तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचित किया कि करेरी ट्रैक पर पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल कई स्थानों पर उपलब्ध था। उन्होंने इसके सबूत भी पुलिस प्रशासन को दिए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग शिमला को पत्र लिखा और जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस ने दूरसंचार विभाग शिमला को पत्र लिखा है। सुरक्षा एजेंसियों को भी सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले भी धर्मशाला क्षेत्र में पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल पाया गया है। ट्रैकिंग व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्यूंट सहित खनियारा के खड़ौता में भी पाकिस्तान की मोबाइल कंपनी का सिग्नल पाया जा चुका है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीकी कारणों से होता है। कई बार फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से सिग्नल आगे निकल जाता है। ये कोई अफवाह नहीं है। मेरे पास इनडायरेक्ट माध्यम से, लेकिन कुछ ट्रैकर्स करेरी गए थे और बाद में हमने उनसे बात भी की है। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पुलिस के साथ शेयर की थी कि सैटरडे को वो करेरी ले गए थे, रात में वहाँ रहे, संडे को जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके मोबाइल के ऊपर पाकिस्तान के मोबाइल का सिग्नल आया, और कुछ मोबाइल के ऊपर जो आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो गया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें दी है। तो ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी यहाँ होते रहे हैं। पहले भी 2018 में गलू धर्मकोट साइड में पाकिस्तान मोबाइल के कुछ सिग्नल ट्रैक किए गए थे। उसके बाद उसमें जांच जो है वो बेसिकली पुलिस का जांच में या इसका संज्ञान लेने में कोई भी रोल नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्राधिकार है, और इसलिए हमने एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो शिमला ऑफिस है उनको लिख दिया है और उनको इस बारे में सूचित कर दिया है कि हमारे पास इस तरह की सूचना आई है। आगे जो भी कार्रवाई होनी है, चाहे उसमें उन्होंने टेक्निकल टीम भेजनी है, चाहे उन सिग्नल्स को काउंटर करना है, जो कुछ भी है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्राधिकार में आता है और उन्होंने ही इसमें आगे कार्रवाई करनी है। नहीं, बॉर्डर के साथ तो नहीं लगता, लेकिन ऑल्टीट्यूड हाइट बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पहुँच रही है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा हमारे लिए ये चिंता का विषय हो सकता है कि उस सिग्नल को कोई मिसयूज़ करे, तो उस दृष्टिकोण से जो हमारी खुफिया तंत्र की एजेंसीज़ हैं स्टेट की और भारत सरकार की, उनके साथ भी हमने ये सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है।